बीबियां एक तो पहले से ही जीने नहीं देती और ऊपर से करवा चौथ का व्रत रख के मरने भी नहीं देती। कैसे भाइयों, पति केवल दो ही कंडीशन में घर का काम करता है, या तो बीबी बहुत सुंदर हो या फिर बहुत खूंखार। सभी एक दिन के देवताओं को मेरी ओर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। यार, तेरे हॉटस्पॉट का पासवर्ड क्या है? निम्टा दूसरा टेल मी तबुस क्रैक ओइक निम्बोमला मोहिनो जुकु। भाइयों, दुनिया में दो लोग कभी नहीं सुधर सकते, एक तो मैं जो मोबाइल यूज कर रहा हूँ और दूसरे तुम जो मोबाइल यूज कर रहे हो। बेबी, आज खाने में क्या बनाया? कुछ नहीं। कुछ नहीं, ये तो तुमने कल भी बनाया था। हाँ, तो ये मैंने दो दिन के लिए बनाया है। अरे जालिमो, बीबी भी सुंदर होती हैं। कभी पड़ोसी की निगाह से देखो तो सही उसको। भाइयों, रोज एक अनजान आदमी को देखकर हंसे ताकि वह अपनी सारी प्रॉब्लम भूलकर ये सोचे कि आखिर ये बेवकूफ व्यक्ति था कौन। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो इसका मतलब आपको एक अच्छी और जिंदगी जीने का मौका मिला है। इसे सैड शायरी चेपने में बर्बाद ना करें, खुश रहें और औरों को भी खुश रहने दें। बाबू मोशाए, जिंदगी भी एक खेल है। बचपन में मैना उड़ तोता उड़, जवारी में चैन उड़ नींद उड़, और बुढ़ापे में दांत उड़। शादी से पहले आप क्या करते थे? जो मेरा दिल करता था। पप्पू, पत्नी धर्म पत्नी बीबी अर्धांगनी में क्या अंतर है? बाबा जी, बेटा इतना मत सोचो, नाम अनेक मुसीबत एक। भाइयों, हम पुरुषों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। सुंदर लड़की देखते ही ये भूल जाते हैं कि हम शादीशुदा हैं। अगर राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने उनसे पूछा होता कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं रहे। ये तो अच्छा है कि ईसीजी मशीन केवल ये बताती है कि दिल कैसे धड़कता है। अगर ये बताती कि किसके लिए धड़कता है, तो अब तक कईयों के हाथ पांव टूट गए होते।